मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को बार बार हनुमान जी का कैरेक्टर निभाने का मौका मिल रहा है, और मैं स्वास्तिक प्रोडक्शन का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, और सोनी टीवी का, और स्पेशली सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी का, जिन्होंने मेरे को इतने बड़े शो के अंदर, जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शो होगा अभी, उसके अंदर हनुमान जी की भूमिका निभाने का मौका दिया। एंट्री मेरे खुद के गूज़बम्प आ गए देख के, कि जब मैं फील कर रहा था, चल रहा था, और तो ऐसी ग्रैंड एंट्री, मतलब कि सच में मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं सही में हनुमान जी ही हूँ, और राम जी जो कर रहे थे सही में मेरे को राम जी और माता सीता जैसे ही वो बिल्कुल लग रहे थे, और बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मैं भी इस शो का हिस्सा हूँ। मुश्किल काफ़ी रहता है ये, और स्पेशली हार्डनेस पे जब आप उड़ने के जो सीन होते हैं, लेकिन जब आप हनुमान जी का कैरेक्टर के अंदर जाते हैं, जब आप उनका लंगोट धारण करते हैं, तो सारी मुश्किलें क्षण भर में दूर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती आपको, सब ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आप हो जाते हो, तो सारे दर्द आपके गायब हो जाते हैं, सब चीज़ गायब हो जाती है आपको, बस कहते हैं ना कि जय श्री राम बोलो सारी तकलीफ़ें दूर हो जाती है, तो ये सच है, मैंने ऐसी चीज़ें फील भी करी हैं अपनी लाइफ में। ये आप VFX देख रहे होंगे इसके शो के, सोनी TV पे कितने अच्छे VFX हैं, और कितने प्यारे राम जी लग रहे हैं, माता सीता लग रही हैं, लक्ष्मण जी लग रहे हैं, तो ग्राफिक बहुत अच्छे होंगे इस शो के, और डिटेलिंग की गई है करेक्टर्स के ऊपर, आपको छोटी से छोटी चीज़ भी जो भी कभी मिस हुई होगी जो इस शो के अंदर, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। यूथ को बहुत अच्छा लगने वाला है ये शो, की कहते हैं ना कि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, वो बैटमैन देखते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, उनको वो लोग भी ये चीज़ पसंद करेंगे, उनको पता चलेगा, अब तो पता चलने लग भी गया है कि हनुमान जी से बड़े कोई बैटमैन कोई सुपरमैन नहीं है, पता नहीं हज़ारों करोड़ों भी आ जाए तो भी हनुमान जी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, अपने बड़ों का आदर करने की भावना अंदर आएगी, कि कैसे अपने पिताजी के एक प्रण के खातिर उन्होंने राम जी 14 वर्ष के अपना राज सिंहासन सब कुछ छोड़ के चले गए, और कैसे, मतलब कि भाई जो उन्होंने बताया कि भाई कैसे चला गया, गुरु प्रभु जो, जब हनुमान जी राम जी को अपना सब कुछ मानते हैं, सब चीज़ें करते हैं अपने माँ बाप के, जैसे आजकल हाय हेलो लोग करके निकल जाते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, जय श्री राम बोलना बहुत ज़रूरी है, मैं खुद अपनी लाइफ में अब ज़्यादा जय श्री राम ही बोलता हूँ, कि जय श्री राम कोई हाय बोलता तो मैं जय श्री राम ही उनको बोलता हूँ, तो मॉम डैड के पाँव छू के जाओ, जो आज की तारीख में कोई करता नहीं है, पहले बचपन में सिखाए जाते थे लेकिन अब तो कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन जब से मैं ये करेक्टर करने लगा तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आने लग गई, और इस शो के माध्यम से वो लोग भी अपने बड़ों का आदर और गुरुओं का रिस्पेक्ट करना सीखेंगे सब। कुछ खास ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक से आधे से एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे पहले तो आप खुद को एक्सेप्ट करो कि आप जो बोल रहे हो, आप जो करेक्टर कर रहे हो, आप उसके लायक भी हो, खुद स्वच्छ हो अंदर से, कि अगर आप हनुमान जी का करेक्टर कर रहे हो तो आप अंदर से कैसे हो, अगर आप खुद को ये चीज़ फील करा पाओगे तो मैं आप सब लोगों को भी ये चीज़ मैं फील करा पाऊँगा, मैं यही समझता हूँ। और बाकी मैंने आपको बताया कि हनुमान जी के कपड़े पहन के 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। सबसे पहले तो जय श्री राम, मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बुरी चीज़ों से दूर रहिए, अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, और अपना मिल्क और दूध, केले, ये सब चीज़ें खाइए, और इनसे बॉडी बनती है, और अपने विचार अच्छे रखिए अंदर दिल में, और हर किसी को कोशिश यही कीजिए कि गुस्सा ना आए, पॉजिटिव रहिए, और सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती है, अगर ना भी हो तो आंखें बंद करके जय श्री राम का नाम लीजिए और सब चीज़ें हो जाएंगी, और ऐसे ही मेरे को प्यार करते रहिए, और हमारा शो देखिए जो बहुत जल्द सोनी TV पे 9 बजे 1 जनवरी से आने वाला है, श्रीमद् रामायण, और ऐसे ही प्यार करते रहिए, जय श्री राम।